the ratio of the volume of the cube to the volume of the cuboid? ये जो question हैं, ये सारे data sufficiency पे based questions हैं. ये SBI PO mains 2018 में पूछे गए थे. और इन्हें better कैसे solve किया जा सकता था? उसका अब हम एक बार discussion करते हैं. वो कहता है कि what is the ratio of the volume of the cube to the volume of the cuboid? क्यूब के वॉल्यूम और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का हमें जानकारी होना चाहिए और फिर हम इसका रेशियो निकाल पाएंगे. तो जो क्वेश्चन है उसमें एक स्टेटमेंट ये दी हुई है, इसको पढ़ते हैं क्या है. एक ये दी हुई है और एक स्टेटमेंट ये दी हुई है, और वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सफिशियंट है कि हम इनका रेशियो जो है वो ढूंढ पाए. तो सबसे पहली स्टेटमेंट को एक बार डिस्कस कर लें. उसमें वो कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 352 स्क्वायर सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया. रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 3:2:1. इनका रेशियो दिया है, तो निकालना हो तो कैसे करेंगे हम इनका. ये मान लेंगे 3k 2k और k, और हमें ये भी पता है कि एक फॉर्मूला है जिससे हम साइड्स को यूज करके उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. फॉर्मूला हमें अभी कोई पता होने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता हो कि फॉर्मूला है. हमें निकालना कुछ नहीं है, सिर्फ ये पता लगाना है कि क्या हम ये रेशो निकाल पाएंगे या नहीं. रेशो निकालनी नहीं है. तो अगर मुझे ये साइड्स पता हैं 3k 2k k, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैं ये k की वैल्यू निकाल लूंगा. अगर मेरे पास k आ गया तो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाएंगी. लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई तो ऑटोमेटिकली मैं वॉल्यूम उसका क्यूबॉइड का निकाल पाऊंगा. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मेरे को इस स्टेटमेंट से मिल जाएगा. क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिलेगा, क्यूब का तो अभी कुछ पता नहीं है. तो ये स्टेटमेंट अकेली तो सफिशियंट नहीं होने वाली. देखिए आगे क्या है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया है, उसी तरह से मैं इसकी साइड निकाल लूंगा, साइड से मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा. तो ये मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां से वो अकेला वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मिलेगा. तो वही कारण कि ऊपर वाली स्टेटमेंट मेरे को अकेली सफिशियंट नहीं है, ये भी अकेली सफिशियंट नहीं है. और मुझे लग रहा है कि अगर ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यहां से आ गया, क्यूबॉइड वहां से आ गया, तो ये दोनों मिलके तो सफिशियंट है ही हैं. एक बात तो ये क्लियर हो गई है. अब थर्ड स्टेटमेंट पे एक बार नजर डाल लें. द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड एंड 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. देखा जाए तो ये रेशो दी हुई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की रेशो. उसके बाद वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर. ये जो रेशो दी हुई है इसे मैं वही के टर्म्स में LBH को लिख सकता हूं, और H माइनस L 8 दिया हुआ है, तो उसमें से वो K निकल आएगा. K आ गया तो ये LBH आ गए. LBH आ गए तो मेरे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम यहां से इजीली निकल आएगा. लेकिन इस स्टेटमेंट से भी सिर्फ क्यूबॉइड का वॉल्यूम आता है, क्यूब की बात नहीं हो सकती. तो बात सीधी है कि स्टेटमेंट 2 भी इसके लिए चाहिए होगी. तो 2 और 3 या 2 और 1 ये आपस में मिलके, ये इनमें से कोई भी पेयर उठा लीजिए, वो सफिशियंट होगा. तो स्टेटमेंट 2 हम एनालाइज कर चुके हैं, स्टेटमेंट 3 भी कर चुके हैं. सो इधर स्टेटमेंट 1 और 2 या 2 और 3 they are sufficient to answer this question. चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं. ये question है what is the speed of boat in still water. ये आपको याद रखना होगा कि वो boats and streams वाला chapter जो है, stream की speed हम s मान लें तो नदी चल रही है इस direction में, और boat की speed still water में b होती है. तो मुझे ये स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ये बी निकालनी है. ये क्वेश्चन है बेसिकली. तो दिया क्या है इसमें, एक स्टेटमेंट ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है,
और तीसरी ये दी हुई है। इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि बोट कैन कवर 25 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। डाउनस्ट्रीम का मतलब हुआ कि उसकी अपनी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों मिल जाएंगी। डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही चल रही है वो, तो बी प्लस एस उसका टोटल स्पीड हो जाएगा और बी प्लस एस बन गया 25 किलोमीटर 5 आवर्स में, तो 25/5 वो 5 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो अगला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 2 कहता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो वो कहता है एस इज इक्वल टू 2/3 बी, सही होगी बात। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है द बोट कैन कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस इन 10 आवर्स। अपस्ट्रीम का मतलब हुआ स्ट्रीम के अगेंस्ट, तो उसका जो एक्चुअल स्पीड होगा बी माइनस एस होगा। बी माइनस एस बना 25 किलोमीटर बटा 10 आवर्स, 2.5। तो स्टेटमेंट 1 ये देती है, 2 ये देती है, 3 ये देती है, सही होगी बात। तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वो कैसे आएगा, मैं इसको या इसको सॉल्व कर लूं, इसको या इसको सॉल्व कर लूं, इनको सॉल्व कर लूं, दोनों को, किसी भी दो को सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास वो निकल आएगा। तो मेरा क्या निकला, एनी टू स्टेटमेंट्स आर नीडेड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड स्पीड। निकालना कुछ नहीं है, सिर्फ स्कीम लड़ानी है। तो चले आगे, आगे वो कहता है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल फैन इफ द डीलर सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। प्रॉफिट परसेंटेज है मेरे पास, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट मुझे चाहिए उसकी। तो इसका आंसर निकालने के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली जा सकती है। तो पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट्स मुझे उसने दे रखी हैं। तो अब इनका एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है वो कहती है कि डीलर 60% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क करता है। मैं इसके लिए कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूंगा और उससे मैं उसका मार्क्ड प्राइस 160 तक पहुंच जाऊंगा। फिर उस पर कुछ डिस्काउंट देगा 25% का, तो मैं उसका अल्टीमेट सेल प्राइस पे आ जाऊंगा, ठीक होगी बात। अब वो सेल प्राइस जो आया उसमें से 100 माइनस करके प्रॉफिट का एक फिगर आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड देन ही वुड गेट ₹1920 मोर प्रॉफिट। तो डिस्काउंट देने पे प्रॉफिट ये, डिस्काउंट ना दूं तो वो 160 में से 160 वो आ जाएगा। अब इसका और उसका डिफरेंस निकाल लूंगा, तो मैं कहूंगा कि अगर प्रॉफिट का डिफरेंस इतना है तो कॉस्ट प्राइस 100 था, अगर प्रॉफिट का डिफरेंस 1920 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो निकल आएगा। इसको ध्यान से समझ के देख लेना तो ये कॉस्ट प्राइस हमें निकालने में हेल्प कर देगा। तो मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट, यहां तक तो ये नतीजा निकला। अब सेकंड देखते हैं, डीलर मार्क्स फैन 75% अबव कॉस्ट प्राइस। यहां भी वही आप 100 मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस उसका 175 मान लेंगे जो सेल प्राइस होगा। एंड आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, तो ये मार्क्ड प्राइस था, इस पे फिर 2 20% के डिस्काउंट होके कुछ ना कुछ मुझे सेल प्राइस निकल आएगा, सही होगी बात। अब यहां पे सेल प्राइस आ गया 100 के बेस पे। अब कहता है राहुल सोल्ड इट टू जय फॉर रुपीज दिस मच एंड क्लेम्स ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच। तो सेलिंग प्राइस ये है राहुल का फर्दर और प्रॉफिट वो बोल रहा है 25%। तो मतलब ये है कि इन दोनों फिगर से मुझे राहुल की जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल आएगी, यानी कि जो 100 के बेस पे फिगर थी वो मेरे पास यहां है और जो एक्चुअल फिगर है वो यहां है। तो मैं निकाल लूंगा कि अगर ये फिगर थी तो कॉस्ट प्राइस 100 था, ये फिगर है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो वही यूनिटरी मेथड से
मतलब ये भी मुझे कॉस्ट प्राइस निकालने में हेल्प कर देगी। तो मैं कहूंगा सेकंड अलोन इज आल्सो सफिशिएंट। अब थर्ड के बात आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है डीलर मार्क्स फैन 75% अबव कॉस्ट प्राइस। तो वही 100 वाला सिस्टम मान के आप मान लेंगे एफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% सेल्स टू कस्टमर। तो डिस्काउंट करके अब उसका मुझे वो जो सेल प्राइस है वो आ जाएगा। इफ ही अलाउज एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% ही वुड गेट दिस मच लेस। तो इसका और पहले का टेक्सचर सेम हो गया। वो कह रहा है कि अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता और दिया होता उस पे जो यहां पे 1260 रुपए कम मिले तो वही यूनिटरी मेथड वगैरह सेट करके मैं इसमें भी कॉस्ट प्राइस तो निकाल ही लूंगा। कॉस्ट प्राइस 100 मान के चला था उसके बेस पे दो डिफरेंस निकाल लिए, दो ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस निकाल लिया। ये 1260 ये दिया हुआ है, अगर वो डिफरेंस है तो कॉस्ट प्राइस इतना था, ये है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पे दे आर सफिशियंट टू हेल्प मी फाइंड आउट द आंसर। तो इनका तो ये हम लिख रखा था सेलिंग प्राइस कैन बी डिटरमिन्ड इफ वी कैन डिटरमिन कॉस्ट प्राइस, तो वी नीड वन। तो ये देख लेना आप, इसमें स्टेटमेंट वन हमें कॉस्ट प्राइस निकाल देगी, स्टेटमेंट टू भी निकाल देगी, स्टेटमेंट थ्री भी निकाल देगी, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। तो डेटा इन वन और टू और थ्री इज सफिशियंट टू ऑब्टेन द कॉस्ट प्राइस। तो वो डिटेल हम कर ही चुके हैं कि इससे भी निकल आएगा, इससे भी निकल आएगा और इससे भी निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? तो टू डिजिट नंबर वो हमें पता लगाना है, उसके लिए उसने स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। एक स्टेटमेंट ये दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। अब इसके लिए टू डिजिट नंबर पता लगाने के लिए हमें क्या करना है और कैसे पता किया जा सकता है, उसके लिए उसने हमें ये तीन पांच ऑप्शंस भी दे रखी हैं। और अब मेरा ये कहना है कि ए टू डिजिट नंबर इज डिटरमिंड इफ वी नो थ्री थिंग्स। दी टू डिजिट्स की पहला डिजिट कौन सा, दूसरा कौन सा, ये वाला कौन सा और ये वाला कौन सा, एंड अलोंग विद देयर ऑर्डरिंग कि पहले कौन सा आता है। तो अगर मुझे ये पता है दो डिजिट्स दो और छह हैं तो उससे तो 62 और 26 दोनों हो सकते हैं। तो कंफर्म करने के लिए मुझे ये दो छह और ऑर्डर का भी पता होना जरूरी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये वाली जो उसने पांच ऑप्शंस दी हैं, इन पांच ऑप्शंस को मैं एक एक करके स्टडी करूंगा। जो नहीं हो सकती उनको हटा दूंगा, जो बच जाएगा वो मेरा आंसर होगा। वन एंड थ्री ओनली, ये है पहली ऑप्शन, वन एंड थ्री ओनली, कि वन और थ्री अकेली हेल्प करती हैं, ये पहली ऑप्शन बोलती है। क्या ये हो सकती है उसको हम चेक कर लेते हैं। ये हम रिजेक्ट करते हैं, पहली और तीसरी ऑप्शन है रिजेक्टेड, क्योंकि पहली ऑप्शन कहती है डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स इज 4। थर्ड ऑप्शन कहती है डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 36। अब ना तो ऑर्डर ये बताती है ना ऑर्डर ये बताती है। तो अगर मुझे ऑर्डर नहीं पता इनका आपस में तो ये दोनों मेरे काम नहीं आ सकती। तो इसलिए हमने ये लिख दिया कि वन एंड थ्री आर बोथ रिजेक्टेड, दे आर बोथ ऑफ नो यूज फॉर ऑब्टेनिंग दिस टू डिजिट नंबर। उसका जो सेकंड मुझे दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है ऑल थ्री आर नॉट इनफ। अब इसके बारे में कुछ कहने से पहले हम अभी रुकते हैं, हो सकता है यही आंसर हो। तो सी को चेक करते हैं पहले। सी कहता है वन एंड इधर टू और थ्री, वो कह रहा है एक और इनमें से एक आदि, एक कोई भी एक, तो वो गलत हो गई क्योंकि इनमें से दो का तो हमें पता नहीं है कि एक और दो से मिलेगा, पर ये श्योर है कि एक और तीन से तो मिलता नहीं है, वो तो हम यही रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब सीधी बात हो गई कि ये वाली जो सी ऑप्शन है
ये हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें से एक पार्ट ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, 1 और 3 वाला। तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल फेल हो जाती है। अब चलिए अगली पे, वो कह रहा है 1 और 2 ओनली। वो कह रहा है कि 1 और 2 अकेली हमें हेल्प कर देंगी। स्टडी करें इनको। पहली स्टेटमेंट कहती है डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स इज 4, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज लेस देन दैट एट टेंस प्लेस बाय 4। अब ये डिफरेंस 4 बता रही है, ये भी डिफरेंस 4 बता रही है, इसका मतलब क्या हुआ और इसके एडिशन में क्या है? देखें, वो कह रहे यूनिट्स प्लेस इज लेस, अगर ये यूनिट है ये एच है तो मतलब ये बड़ी है ये छोटी है, बड़ा बड़ा जो नंबर है वो यहां पे है, छोटा यहां पे, लेकिन डिफरेंस 4 है। तो मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है वो सारी की सारी सेकंड में कंटेंड है, सेकंड सब कुछ वो कवर कर रही है जो फर्स्ट बताती है। इसका मतलब फर्स्ट की तो जरूरत रहेगी नहीं अगर सेकंड है, सेकंड में सब कुछ है वो जो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वाला तो हम ना भी हो तो भी सेकंड से सब कुछ मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे 1 और 2 दोनों इकट्ठी का तो मतलब कोई नहीं है, अकेली 2 सफिशियंट है, बट हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जरूरी है। तो इसका मतलब ये हम ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ चुके हैं, ये छोड़ चुके हैं। अब आखिरी वाला देखें, आखिरी वाला कह रहा है ऑल 1, 2 और 3 कि 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए। अब ये बात बिल्कुल सीधी है कि अगर एक और दो इकट्ठे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अगर 2 हो गया तो 1 की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब 1, 2 और 3 ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि 1 और 2 जो है वो इकट्ठे हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1 सारा 2 में है। तो 1 और 2 की जरूरत इकट्ठे हो ही नहीं सकती, वो तो हम ऊपर भी देख चुके हैं, तो इसलिए ये वाला भी रिजेक्ट करते हैं। तो बात क्या निकली कि जो बी ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि इन पांचों में से एक आंसर को तो सही होना ही होना है, तो इसलिए ऑल 3 आर नॉट इनफ इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, वो कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वॉल बिल्ट बाय 2 men and 3 women व्हेन वर्किंग टुगेदर। 2 आदमी और 3 women ये काम इकट्ठा करते हैं और हमें पता लगाना है कि दीवार कितनी बड़ी बनाते हैं। यहां लिख रखा है assuming that the length of the wall is 1 complete work। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, समझना थोड़ा मुश्किल होगा। आप ये मानो कि एक दीवार है, उसकी लेंथ फिक्स है, बननी पूरी है उतनी ही बननी है और पूरी बनाई गई है। ये 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, जितनी भी है वो लेंथ उसकी पूरी है और वो पूरा काम किया जा चुका है। तो वो कह रहा है कि ये काम जितना भी किया इन लोगों ने उसका लेंथ बताओ कितना था। तो लेट अस सी, उसने कहा है ए मैन टेक्स, तो एक स्टेटमेंट्स दी हुई है उसने, स्टेटमेंट्स को हम एक बार नोट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं एक बार कि क्या चीज है। तो एनालाइज करने से पहले कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, हम कैलकुलेशन तो करने वाले बंदे है ही नहीं है। हमारा अब ये है कि इसको थोड़ा देखें, द लेंथ ऑफ द वॉल कैन बी डिटरमिंड। हम उसकी जो लंबाई पता लगाना चाहते हैं वो तो पता लगाई जा सकती है अगर हमें 2 चीजें पता हैं। पहली, फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ऑल ऑफ देम इन 1 डे, कि ये 5 वर्कर वर्क का कितना फ्रैक्शन एक दिन में पूरा करते हैं। एक तो वो चीज पता हो, टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शन ही होता है। दूसरा पता होना जरूरी है हाउ मच इज दैट वर्क इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। मान लीजिए मुझे पता चलता है कि दोनों मिलके 1/10 फ्रैक्शन, 1/10 ऑफ द वर्क एक दिन में कंप्लीट करते हैं, और मुझे ये पता है, ये भी पता चल जाता है कि एक दिन में वो 3 मीटर बनाते हैं, तो मुझे पता चल गया कि 1/10 हुआ 3 मीटर, तो पूरा वर्क होगा 30 मीटर का, 3 × 30 = 10 का। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको बैठ के एक बार, पर बात यही है कि कितना फ्रैक्शन वो लोग एक दिन में करते हैं
और वो फ्रैक्शन मीटर में कितना होता है, तो गुना करके वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि इनमें से हमें वो चीज कहां से मिलती है। पहला वो बोल रहा है ए मैन टेक्स 20 डेज टू बिल्ड दैट वॉल अलोन, तो एक दिन में एक आदमी कितनी वॉल बनाता है, 1/20 हो गई। वन वुमेन टेक्स 24 डेज टू बिल्ड द सेम वॉल अलोन, तो एक वुमेन जो है वो 1/24 वॉल बनाती है, सही होगी बात। तो दो बंदे 2/20 बनाया, तीन वुमेन ने 3/24 बनाया, ये फिगर जोड़ करके लेटर से 1/5, 1/4 कुछ भी जो भी आती है वो आ जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लें, ये हमारे किसी काम ना होगी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़े, टोटल लेंथ ऑफ वॉल बिल्ट इन वन डे व्हेन ऑल 5 वर्कर्स वर्क टुगेदर इज 27 मीटर। अगर ये फिगर 1/5 है, इस 1/5 का मतलब है 27 मीटर, तो मतलब पूरी वॉल 27 × 5। ये 5 फिगर को सही नहीं मानिएगा, ये तो मैंने वैसे ही लिखी हुई है क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कुछ करना चाहता, तो करके जो भी आता है मैं उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता था। तो मेरा मतलब ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स मिला के मुझे मेरा आंसर देने के पूरी काबिल हैं। तो एक चीज तो ये निकली। अब दूसरी स्टेटमेंट में कहता है ए मैन टेक्स 10 डेज टू बिल्ड हाफ ऑफ दैट वॉल, तो एक आदमी का मुझे उसने वर्क दे रखा है कि एक आदमी 10 दिन में आधा आधा काम निपटाता है, तो एक दिन में काम निपटाएगा 1/20, सही होगी ना बात। तो अब यहां थोड़ा स्टडी करें कि लेंथ ऑफ द वॉल कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड इफ वी नो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन इन वन डे एंड हाउ मच इज दैट वर्क इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। एक आदमी एक दिन में 1/20 काम करता है, पढ़ता जाऊं, अगर मुझे यह मिल जाए कि वो एक दिन में कितनी वॉल बनाता है तो मेरा काम हो जाएगा। पढ़ लें इसको, व्हाइल वन वुमन टेक्स 8 डेज टू बिल्ड 1/3 ऑफ द सेम वॉल अलोन एंड लेंथ ऑफ द वॉल बिल्ट इन वन डे बाय अ मैन इज 6 मीटर्स। सीधी हो गई बात, 1/20 काम करता है वो 6 मीटर के बराबर है, तो पूरा काम होगा 6 × 20, 120 मीटर वॉल की लेंथ होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशियंट टू गिव मी द आंसर। तो थर्ड अलोन और 1 and 2 दे टुगेदर गिव मी द आंसर। तो इस तरह से ये हमने इसको सारा किया, इसको करने का तरीका समझ लें। सो विल क्लोज इट राइट नाउ। थैंक यू।